नहीं नया नहीं। देखिए दोस्त, अब हमें अल्काइल बेंजीन से क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एग्जाम में बहुत एकदम क्वेश्चन पूछा, फूले चली बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। समझे, देखिए कैसे कैसे तक क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का रिंग लिख देगा और बेंजीन के रिंग पर लिख दिया मिथाइल ग्रुप, क्या लिख दिया दोस्त, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर लिख दिया मिथाइल ग्रुप, फिर आगे बढ़ा, यहाँ लिख दिया पोटेशियम डायक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर ये ना लिख के पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजेशन और ये नहीं देगा तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए बेंजीन जो हुआ काम में जाने का सूत्र बताइए, ये हमारा कैसा एजेंट है, स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजेशन। इसका काम हाइड्रोजन जोड़ना के ऑक्सीजन जोड़ना, कैसा ऑक्सीजन जोड़ना, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब अभी अभी बनाया गया ऑक्सीजन के पहले वाला, अभी अभी वाला ताजा ताजी की बासी ताजा ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर हलचल कहाँ होता है, हम बताए थे आपको कि सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप में फोकस कीजिए, हमें आपको फंक्शनल ग्रुप खोजने का बहुत कोशिश किया नहीं दिखा, तो ऐसे हालात में जब फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखे तो आप अल्काइल ग्रुप को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और उस अल्काइल ग्रुप को पकड़ने के लिए कम कार्बन का, अरे ज्यादा कार्बन करेंगे तो प्रिंसिपल से घुस जाएगा ना, ये अल्काइल ग्रुप हमको ये दिखा। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन, क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन। ये सबसे फेमस नाम है टोलुइन, क्या है, टोलुइन, यहाँ पर लिखिए टोलुइन। अब ये हलचल कहाँ होता है, बेंजीन जो हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन पर हलचल होता है, ठीक है। अगर बेंजाइलिक कार्बन है तो बेंजाइलिक कार्बन के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना भी चाहिए तभी ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, अगर नहीं होगा तो ऑक्सीजन कभी भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो बेंजाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन कराना, तो हम बताए थे दोस्त एक स्टेप पीछे जाते हैं, ठीक है। जब कभी अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप को हटाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड को लाओ। यहाँ पर बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर बेंजीन लिख दिए और अल्काइल ग्रुप को हटाए और यहाँ पर क्या गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो दोस्त, बेंजीन था तो बेंजीन लिखा, कार्बन था तो कार्बन लिख दिया, ठीक। अब बेंजाइलिक कार्बन के पास तो हाइड्रोजन भी तो है, अब हाइड्रोजन हकर हकर के रोने लगा, बोलता यार हमने छोड़ दिया, मेरे लिए भी कुछ करो। तब बोले अरे पगला, वेट वेट, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल, क्या बन गया दोस्त, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, तीन, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन आ रहे दो और एक तीन ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन नहीं, तो किसमें नेसेंट ऑक्सीजन ले रहे हैं आप, तीन ले रहे हैं, तीन। तो बोलिए जब टोलुइन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को अल्काइल बेंजीन से क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। परीक्षा में दोस्तों अक्सर दिया 90% केस में यही केस दिया जो आपको लिखे यही दिया, समझे। लेकिन आपसे आपको ये ना देखे कि मैंने फॉर्मूला यूज कर दे तो करेगा तो डरिएगा नहीं उस समय। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, ये आपका बेंजीन का रिंग है, बेंजीन का रिंग लिख दिए, बेंजीन के रिंग पर मिथाइल ग्रुप है जिसको क्या बोलिएगा, टोलुइन, और ऑर्थो पोजीशन पे एक और मिथाइल ग्रुप आ गया है, ठीक है, इसको बोलिएगा 1,2-dimethyl बेंजीन, क्या बोलिएगा, 1,2-dimethyl बेंजीन। और कॉमन नेम क्या है, हाँ कॉमन नेम लिखे, कॉमन के दोनों नाम है यार, इसका कोई नाम नहीं है, हाँ एगो नाम इसे क्या बोलते हैं, ये आपका टोलुइन हो गया, टोलुइन के ऑर्थो पोजीशन मिथाइल लगा है, इसके वो नाम भी ऑर्थो मिथाइल टोलुइन, क्या हो गया, ऑर्थो मिथाइल टोलुइन, ये कॉमन नेम बोलते थे, कॉमन नेम। अरे यूपीए के इसी का नाम जाइलिन भी है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो जाइलिन, क्या बोलते हैं, ऑर्थो जाइलिन, ये भी कॉमन नेम हो गया। यूपीए के नाम 1,2-dimethyl बेंजीन और इसके एक और यूपीए के नाम 2-methyl टोलुइन, क्या हो गया, 2-methyl टोलुइन। जब भी कभी लाइफ में ऑर्थो मेटा पहला दिया तो कॉमन नेम है, ठीक है। अब इसका क्या कराना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन, क्या लिखिए, पोटेशियम डायक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसका काम है कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन,
बेंजीन जो है कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो जो भी ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होगा वो हमारा बेंजाइलिक कार्बन के पास होगा। लेकिन ध्यान रहे कि बेंजाइलिक कार्बन के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन में होना चाहिए। बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्यों होना चाहिए? तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, तो कहीं ना कहीं दोनों प्रोसेस को इंडिकेट कर रहे थे। यहाँ मेरे को दो प्लस होना भी लिखना चाहिए, मेरा फोकस बेंजाइलिक कार्बन पे, ठीक है। बेंजीन का रिंग था यहाँ पर, ये बेंजीन का रिंग। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन है तो कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर भी बेंजाइलिक कार्बन है तो बेंजाइलिक कार्बन से क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर भी बन गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर वाटर लिख दिए। अब देखिए बेंजीन था तो बेंजीन बैलेंस, दो कार्बन कार्बन बैलेंस। अब हाइड्रोजन पर तीन दूनी छह हाइड्रोजन, यहाँ पर एक एक दो ही हाइड्रोजन, चार बच रहा है, मतलब मेरा दो मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन कार्बन पर दो ऑक्सीजन, चार छह ऑक्सीजन। यहाँ देखिए कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन मिलेगा? छह मोल ऑक्सीजन। इससे हमको ये पता चल रहा है कि अगर बेंजीन के रिंग पर अगर एक मिथाइल ग्रुप रहेगा ना तो तीन ही एसिड ऑक्सीजन लेना है, और दो मिथाइल ग्रुप रहेगा तो छह एसिड ऑक्सीजन लेना है। समझे? देखिए समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट हम लोग को। देखिए यहाँ पे इसका नाम हो गया 1,2-dimethyl बेंजीन, और जब बेंजीन के रिंग के अगल बगल कार्बन पर दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्त? थैलिक एसिड। और इसी का यूपेक नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2-dioic एसिड। क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2-dioic एसिड। तो बोलिए जब जब 1,2-dimethyl बेंजीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं, 1,2-dimethyl बेंजीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, मेन प्रोडक्ट के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में हैलिक एसिड बनता है, हैलिक एसिड बनता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो होने वाले प्रोसेस में अल्काइल ग्रुप को हटाओ, अल्काइल ग्रुप को हटाओ और उसके बदले में कार्बोक्सिलिक एसिड को लाओ, परीक्षा में अगर देगा ना तो आप हमारे वाटर तटर भूल गए निकालने, समझे? यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हटाए डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड चिपकाइए, समझे? यहाँ से यहाँ बनाइए खत्म। क्वेश्चन एक परीक्षा क्या पूछा था? कन्वर्ट टॉल्युइन टू बेंजोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। टॉल्युइन से बेंजोइक एसिड नहीं, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कन्वर्ट ऑर्थोजाइलिन टू थैलिक एसिड, और ये नहीं पूछेगा कन्वर्ट 1,2-dimethyl बेंजीन टू थैलिक एसिड। ठीक, देखिए इसको बड़ा फोटो खींची करो। देखिए दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। क्या है दोस्त? बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा दिया? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप के पहले एक और ग्रुप लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए इथाइल ग्रुप। क्या लगा दिए? इथाइल ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम क्या? इथाइल बेंजीन। क्या होगी दोस्त? इथाइल बेंजीन। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ लिख दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका काम किया है ऑक्सीडेशन कराना। यहाँ पर दे दिया ऑक्सीडेशन का साइड, ठीक। अब बेंजीन जो है कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो हम पक्का जानते कि जो भी मूवमेंट होगा बेंजाइलिक कार्बन के पास होगा, बाकी जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो बेंजाइलिक कार्बन है तो बेंजाइलिक कार्बन के पास क्या लगा देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगा देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन का रिंग था और जहाँ बेंजाइलिक कार्बन था उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दी, ठीक। परीक्षा में आज सुबह तुम यही बना के बाय प्रोडक्ट भूल जाए तो गोली मार दो, कितना बना ना छोड़ दे, टेंशन फ्री, नंबर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक। कटेगा नहीं नंबर, खाली कंपाउंड का नाम लेना। बेंजीन के पर कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो इसको क्या बोलिएगा? बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम तो बेंजोइक एसिड हो गया दोस्त। अब देखिए बेंजाइलिक कार्बन तो मामला समझ में आ गया, बस ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बना दिए वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो कार्बन मिला, तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलते कभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कभी बोलते कार्बन डाइऑक्साइड, कंफ्यूज कर जा रहे। अब कंफ्यूज नहीं कीजिए, बताते हैं। जब बेंजाइलिक कार्बन रहेगा तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, उसको छोड़ के जो कार्बन रहेगा उससे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बेंजीन का रिंग, बेंजीन वैलेंस, दो कार्बन, दो कार्बन, कार्बन वैलेंस, हाइड्रोजन आ रहे तीन दो पांच हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ प्रोटॉन आ रहे, एक हाइड्रोजन दिखा, कितना हाइड्रोजन दिखा, चार, कितने यहाँ पे पांच है रे, और यहाँ पे एक दिखा, दो और तीन नहीं एक दिखा, बचा कितना, चार थोड़ी बचा गया, और पांच है ना, चार बचा, चार चार, ठीक है, मेरा कुछ और था, चार बचा तो यहाँ पे दो में लिखेंगे, यहाँ चार हाइड्रोजन एक पांच हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन पांच हाइड्रोजन, क्या मेरा बैलेंस। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे, दो दो चार और दो छह ऑक्सीजन, और यहाँ पे मेरे पास जीरो ऑक्सीजन, तो कितना मोल ऑक्सीजन लीजिएगा, छह मोल ऑक्सीजन। इससे एक और चीज हमको सीखने के मिल गया कि अरे यार अगर इथाइल ग्रुप कार्बन का नंबर दो तो छह ऑक्सीजन, वहां पर एक कार्बन यहाँ लगा रहा था एक कार्बन तो वहां भी छह मोल लेके, समझे, मान लिए इथाइल ग्रुप को लेकर अगर हम कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है ना, बेंजाइलिक कार्बन तो कार्बनिक एसिड बना, ठीक, और जो कार्बन बच गया उस कार्बन का ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, खत्म। अब यहाँ पे इसी का वो चीज देखिए, अगर बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग गया, कौन लग गया, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब उसका कारण आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्या कराना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अब देखिए इस कंपाउंड का नाम भी नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन, क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन, समझना है कि सुनाना पड़ेगा, स्टेप चेन है ना, तो स्टेप चेन के लिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करते हैं, तीन कार्बन के लिए प्रो, खाली बॉन्ड के लिए वाई है, ठीक है, और बेंजीन के लिए बेंजीन, नाम क्या हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। अब इसके कारण ऑक्सीडेशन, तो बेंजीन जो होगा बेंजाइलिक कार्बन पे हमको कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो बेंजाइलिक कार्बन को हटाओ और कार्बन को लाओ, यहाँ पर बेंजीन के रिंग पर लगा दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए दोस्तों फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पर हाइड्रोजन देखा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पर वाटर लिख दिए। फिर कार्बन देखा, एक कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन है, दो मोल, कितना मोल, दो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए मामला यहाँ पे हाइड्रोजन में तीन दो पांच दो सात, ठीक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन देखा, कितने देखा, छह, यहाँ पर दो दिख रहा था, बैलेंस करके तीन से मल्टीपल, तीन दो छह सात, हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस, ऑक्सीजन में आ रहे दो चार दो छह, छह तीन नौ, यहाँ पर कितना मोल, नौ मोल, इसका मतलब हाँ, इसका मतलब तीन कार्बन है तो तीन छो नौ मोल, दो कार्बन दो छो मोल, समझे, ऐसी और सिखाते तरीका, मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक मोल बन रहा है ना, तो एक मोल है तो उसका डबल बनता है वाटर, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दो मोल तो उसका एक मोल ज्यादा, तीन मोल वाटर, समझे, समझे बात क्या, अरे आपको घुमा रहा है कौन, समझे, बाकी चीजें वही बोल रहे, तभी तभी जो दिमाग आएंगे तो लॉली पॉप लग गया, समझे, और यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिखे और बेंजीन के रिंग पर लिखे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, क्या लिखे, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसे पता है कि टर्शियरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे ये सी एच थ्री है, सी एच है, सी एच के नीचे सी एच थ्री है, ये आपका खाली बॉन्ड है, जो ब्रांच में लिखा हुआ मैंने लिखा था, दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो, क्या लिखते थे, आइसो, तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड बेओ, प्रो, क्या प्रो, खाली बॉन्ड के लिए वाईएल, वाईएल, तीन तो कार्बन और एक तो खाली बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल, और जो टी के जैसा दिखता है उसको क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल। अब टर्शियरी ब्यूटाइल क्या सो देखिए, ये देखिए एक कार्बन हो, ठीक है, और इस कार्बन पर तीन ठो मिथाइल ग्रुप झूला हुआ हो, कितना मिथाइल ग्रुप, दो तीन को मिथाइल ग्रुप झूला हुआ, और ये एक ठो खाली बॉन्ड, और देखिए खाली बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन एक दो तीन, तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कैसा कार्बन हो गया, थ्री डिग्री कार्बन, कैसा कार्बन, थ्री डिग्री कार्बन। अब थ्री डिग्री कार्बन को वर्ड में बोलते टर्शियरी, क्या बोलते टर्शियरी, थर्थरी नहीं पढ़ना, टर्शियरी, और हाइफन के साथ टोटल कार्बन गिनो, एक दो तीन चार, चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यू, खाली बॉन्ड के लिए वाई है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। टेंशन दूर हुआ, यहाँ पर इसको नीचे वाला रिएक्शन नहीं हुआ,
सोचते ना देखिए आप इसका नाम क्या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका मॉडल नाम क्या होगी दोस्त आइसोप्रोपाइल बेंजीन बेंजीन। अब देखिए इसका नाम क्या टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, यहाँ पर लिखिए टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बेंजीन। अब बताइए बेंजीन जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो बेंजाइलिक कार्बन को हटाइए और कार्बोक्सिल ग्रुप को लाइए। यहाँ पर बेंजीन का रिंग था, बेंजीन का रिंग देखिए बेंजाइलिक कार्बन कितना मिला एक, तो कितना कार्बोक्सिल ग्रुप लगाइएगा एक। अगर मान लीजिए बेंजाइलिक कार्बन दो होता तो कितना कार्बोक्सिल ग्रुप लगाते दो, तीन होता तो तीन कार्बोक्सिल ग्रुप। कैसे तीन हुआ? अरे पिछले मामले यहाँ बेंजाइलिक कार्बन एक हुआ, अभी तो काम तमाम। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पर लिख दिया वाटर का मॉलिक्यूल। फिर थोड़ा आगे बढ़ा कार्बन मिला तो कार्बन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर दो मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिला। दो मोल है तो एक मोल उड़ा दो, कितना मोल हो जाएगा तीन मोल। आप पहले देखे देखते हैं बेंजीन बेंजीन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कितने तीन तीन छह सात, यहाँ पे गिनते तीन दूनी छह और एक सात ठीक है बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन पे जाते दो चार छह तीन नौ, यहाँ पे कितना मोल लेंगे तीन मोल। यहाँ पे देखिए अरे कार्बन तीन तो नौ मोल, तीन छो नौ बता एक कार्बन को तीन बोलते हैं समझे। अब यहाँ पे बेंजीन जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, अब बेंजाइलिक कार्बन के पास होना चाहिए बेंजाइलिक हाइड्रोजन तभी बनेगा कार्बनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है नहीं है। जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी उन क्या बोलते थे इंडियन, तो इंडियन सोने के लिए तो इंडियन तो रहना पड़ेगा, यहाँ बेंजाइलिक कार्बन है ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी तरह कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यहाँ लिखेंगे डज नॉट रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या लिखे दोस्तों डज नॉट रिएक्शन टेक्स प्लेस। बता सकते इसका वजह क्या बोले थे ड्यू टू बताइए बताइए अब्सेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन, क्या बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो बोलिए जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन का लेट ऑक्सीडेशन कराते हैं मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है, बाय प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। बोलिए जब टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के परिवर्तन से तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन इस समय दोस्त फुल एसिड में अल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका खत्म।